कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। ओरियंदानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो जायानम नमो लोई सवसागुणम एसो पंचनमो यारो सव्य पाव पेणासनो मंगलानम चसभ्येसिम पड़िमं हवै मंगलम पड़वम हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूजा चाची सागर जी महाराज की, परम पूजा चाची महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूजा चाची विमल सागर जी महाराज की, परम पूजा श्रीमती सागर जी महाराज की, परम पूजा सुनील सागर जी महाराज की। तो आज के मंगल क्षण बालूपुरा, आदर्श नगर, अजमेर, राजस्थान, हिंदुस्तान, हाँ क्या प्यारा शानदार सुंदर समंदर, आलीशान समंदर। ले छोटा मंदिर है लेकिन दिल बहुत बड़े ही लोगों के, समाज बहुत छोटी है, समाज बहुत छोटी है, 25-30 परिवार रहते हैं लेकिन एक एक आदमी 100-100 के बराबर है। क्यों 100-100 के बराबर है? मैं तोंद की और हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तोंद की हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं श्रद्धा और भक्ति भावनाओं की बातें कर रहा हूं। मैं पिछले दिनों में मैंने कहा था क्या, जो काम बड़ी बड़ी 100-100, 200-200 और 300-300 परिवार के लोग नहीं कर पाते हैं, वो काम वो इतिहास इन 25-30 घरों ने रच दिया। दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में भक्ति होनी चाहिए, मन में हौसला इरादा होना चाहिए, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जो इंसान काम की शुरुआत से पहले हिम्मत हार जाता है, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन आगे आएगा, किसके पास समय है, हैं? हमने महाराज जी को बुला लिया, कुछ गड़बड़ हो गई तो, बदनामी हो गई तो, निंदा हो गई तो, हैं? अव्यवस्था हो गई तो, ये तो खा जाता है इंसान को। आज हम बड़े आगे व्यवधानों को पूरा करके, चाहे छोटा सा कोई 2 दिन का समारोह हो, चाहे 4 दिन का कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, जबकि बड़े चौमासे का बड़ा भारी फंक्शन हो, चाहे छोटा सा कुछ विधन विधान हो या पंच कल्याण का बड़ा भारी कोई आलीशान ऐतिहासिक विधान हो, हर काम की शुरुआत एक छोटे कदम से हुआ करती है। हम सब यहां पे आकर के बैठे हुए हैं। आज मेरे बिहार का दिन, मैं यहां से निकलने वाला हूं, क्या खाली आता था, खाली यहां जाऊंगा, लेकिन हृदय के अंदर आपको श्रद्धा आपकी भक्ति की दौलत मैं लेकर के जाऊंगा। एक चीज सीखने जैसी है, कल दादाजी बोल विमल जी, दादाजी कल परसों बता रहे थे क्या, अरे भाई बच्चों को कई बार प्रेशराइज किया जाता है, फोर्स किया जाता है, देख हम भी तो एक ही बार खा रहे हैं, हम भी तो ऐसा ऐसा त्याग करके बैठे हुए हैं, और तुझे भी ऐसा वाला त्याग करना चाहिए, तुझे भी एक ही बार खाना चाहिए, तुझे भी ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, उनके ऊपर फोर्स क्रिएट किया जाता है, ऊपर दबाव बनाया जाता है, बच्चे सोचते हैं अरे कैसा धर्म है ये, तो वो धर्म की एक चीज बेटा आलू नहीं खाने का है, रात में नहीं खाने का है, बाजार का नहीं खाने का है, उसको इतना जोर के साथ में जबर दादागिरी उसके साथ में की जाती है। जब दादागिरी की जाती है तो क्या होता है कि वो उसका मन धीमे धीमे अपने आप धर्म से हटने लग जाता है, उसको लगता अरे धर्म का मतलब होता है, मंदिर का मतलब होता है, महाराज जी का मतलब होता है, दादागिरी करने वाले, गुंडागिरी करने वाले, हम पे तानाशाही करने वाले, हुकूमत चलाने वाले। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बच्चों को इतिहास नहीं मालूम है, क्या मेरे दादा परदादा 80 साल की जिंदगी जीते थे, आपकी मम्मी 90+ की होके है ना, और पूरी हट्टी कट्टी सारे काम हम अपने 96 साल की थी शायद, है ना, 89 की एज में भी पूरी, आज भी के दादाजी ऐसे हैं 80 की एज के, 85-90 की एज के लोग मैंने अपनी आंखों से इसी अजमेर में देखे हैं, क्या हट्टे कट्टे चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, शरीर पूरा स्वस्थ बना हुआ, क्यों, बचपन से पौष्टिक भोजन खाया, पौष्टिक भोजन घर में जो माँ बहन बेटी ने बना दिया वो भोजन का, बाजार के भोजन से कोसों दूर रहे, बाजार का भोजन खाते हैं टेस्ट भले उसके अंदर ज्यादा आता है लेकिन उसमें केमिकल्स मिले होते जो केमिकल खतरनाक रूप से शरीर का सत्यानाश
कर दिया करते हैं। मिली सुगंध उसके अंदर होती है, मिली स्वाद उसके अंदर होता है, क्या देखने में भोजन खूबसूरत लगता है लेकिन शरीर को श्वास को तबाह बर्बाद कर देता है। और अब तैसे केमिकल भोजन के अंदर मिलाए जा रहे हैं, मार्केट के भोजन के अंदर मुझे खबर लगी है कुछ MNCs हैं, जंक फूड फास्ट फूड बनाने कुछ कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अंदर कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों पर कुछ वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे खबर मिली है भीतर की बात मैं आपको बता रहा हूं, कई सारी फास्ट फूड जंक फूड बनाने वाली कंपनीज कुछ ऐसे केमिकल मिला रही जिससे इंसान नपुंसक बनते चले जा रहा है ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल हो सके, ताकि खूब सारी बीमारियां फैल सके। जब खूब सारी बीमारियां फैलेगी तो खूब सारे डॉक्टर होंगे, खूब सारी मेडिकल्स, खूब सारी दवाइयां होगी, खूब सारी मशीनें बनेगी, खूब सारे वैक्सीन बनेंगे। और वो खरबों का बिजनेस जानबूझ के लोगों को बीमार बनाने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर 10-20 साल के बाद आपके शरीर को खोखला कर देंगे। और हर एक इंसान को कई कई बार ऑपरेशंस करवाने पड़ेंगे, हर एक इंसान को कई कई बार किडनी, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने पड़ेंगे। ऐसे षड्यंत्र, ऐसी योजना, ऐसी साजिश, ऐसी प्लानिंग चल रही है कुछ फार्मा कंपनीज की, कुछ वैज्ञानिकों की, कुछ बड़े बड़े अरबों खरबों के जो मालिक हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं पूरी दुनिया के, वो 4-6-8-10 उद्योगपति मिलकर के, कुछ 2-4-6 बड़े बड़े वैज्ञानिक मिलकर के, कुछ 4-6 बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी मिलकर के एक बड़ा बड़े षड्यंत्र रच रही है। एक एक इंसान के कई कई बार ऑपरेशन करवाने का उनका मन है, उनकी भावना, ताकि उनका पैसा अपनी जेब के अंदर आ सके। ऐसे भूख कैसी हवस ऐसे पैसों की, तो कुछ पैसे के पीछे हवस में पागल हो जाते हैं, कुछ सुंदरता के पीछे पागल हो जाते हैं, कुछ जवानी के पीछे पागल हो जाते हैं, कुछ लोग पैसे के पीछे पागल होते हैं, कुछ लोग कुर्सी के पीछे पागल होते हैं, कोई कोई ऐसा भी होता है जो भगवान की भक्ति में पागल हो जाया करता है, तपस्या और ताप के पीछे दीवाना हो जाया करता है। तब प्रार्थना करूं उस परमात्मा से, तीन लोक के नाथ से मैं प्रार्थना करूं, हे परमात्मा, और भक्ति का पागलपन और तपस्या के प्रति दीवानगी का आलम पैदा हो आपके जीवन में, तो मैं समझूंगा कि आपका जीवन धन्य हो गया, आपका जीवन सार्थक और सफल हो गया। आज हम सिर्फ आकर बैठे हुए हैं, धर्म की सभा है। फिर से कहना चाहूंगा, जब क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, मैं तो ऐसा सा करता हूं, मतलब मैं सही करता हूं मैं, और तू ऐसा ऐसा नहीं करता, मतलब तू गलत कर रहा है, तू पापी है, तू दुष्ट है, तू दुराचारी है, तू नरक जाएगा, तूने ऐसे पूजा कर ली, तूने इस ढंग से अभिषेक कर लिया, तूने इस ढंग का जीवन जिया, तूने उस ढंग का जीवन नहीं जिया, तू नरक जाएगा नरक। तो धर्मात्मा लोग कौन, चास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य जीवन की। धर्मात्मा लोग कौन, धर्म मतलब वो जो औरों को नरक भेजे, जो औरों गालियां दे, जो अपनी ईगो को, अपने अहंकार को ऐसा ऊंचा उठाने के लिए, अपने को महान बतलाने और सिद्ध करने के लिए क्या औरों को नरक भेजता है, आजकल वही धर्मात्मा कहा जाता है ना। उससे जो जैसा जीवन आप चाहते हो, जो आपके एक्सपेक्शंस हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या आपके सपनों पर, आपके मानदंडों पर अगर सामने वाला इंसान खरा नहीं उतर रहा है, तो क्रिटिसाइज न किया जाए उसे, उसे अपमानित न किया जाए, उसकी निंदा बुराई उसके न की जाए। ठीक है, आप तो चाह रहे हैं, वैसा वो कर नहीं पा रहा, वैसा जीवन जी नहीं पा रहा, उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, ये भी तो संभव है कि उसके हिसाब से जो जो उसे चाहिए वैसा जीवन आप भी तो कहां जी पा रहे हो। हर एक इंसान अपने चश्मे से पूरी दुनिया को देखना चाहता है, एक इंसान अपने सिद्धांत, अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं के हिसाब से पूरी दुनिया को बदलना चाहता है। ये तो किया था औरंगजेब ने कि जो मैं चाहता हूं सब दुनिया उसी धर्म को स्वीकार करें, कितने हजारों लाखों मंदिर तबाह कर दिए औरंगजेब ने, खून की नदियां बहा दी बाबर ने, क्या हुआ बताओ, क्या मंदिर नष्ट हुए, क्या मूर्ति पूजा नष्ट हुई? अरे बड़ा प्राचीन काल का इतिहास है, मूर्ति पूजाओं का बड़ा प्राचीन काल का इतिहास है, भारत की धर्म और संस्कृति का, अध्यात्म का, यहाँ की जड़ों के अंदर लाखों लाखों अरबों खरबों वर्षों का इतिहास है, हिंदुस्तान की धरती का, हिंदुस्तान लाखों अरबों वर्षों का इतिहास है, हिंदुस्तान की धरती का। हम सो यहाँ पे बैठे हुए हैं पवित्र क्षण जीवन के मंगल पवित्रता को पाने के लिए, हम यहाँ पर एक गंगा के भीतर नहा रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, और बाहर बाहर की बड़ी ठंडी हवाएं बह रही, शीतलहर चल रही है,
बाहर ठंडी हवाएं भरी, बाहर का मौसम बदलते चले जा रहा है, लेकिन भीतर का मौसम हमेशा एक जैसा ही रहता है। वही वजह होती है कि कहीं कुछ खुशियों के फूल नहीं खिल पाते हैं। खुशियों के फूल खिले नहीं हैं। आप चाहे तरह तरह की फसल पैदा हो, आप चाहे तरह तरह की सब्जियां पैदा हो, कुछ सब्जी कुछ फल कुछ अनाज भयंकर ठंडी के मौसम में पैदा होते हैं, कुछ सब्जियां कुछ फल कुछ अनाज भयंकर गर्मी के मौसम में कुछ फूल पैदा हुआ करते हैं। अब हर तरह के फूल चाहिए, हर तरह के फल चाहिए, हर तरह की फसल चाहिए, हर तरह की सब्जी चाहिए, तो हर तरह का मौसम होना जरूरी होता है। तो उसी तरह से हर तरह की खुशी चाहिए तो हर तरह का दुख भी होना जरूरी होता है। दुख के पायदान से गुजर करके, दुख की सीढ़ियों पर चढ़ करके सुख आया करता है। दुख को सुख के लिए सीढ़ियां बन जाया करता है। तो जीवन में सिर्फ सुख को सुख 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 की जो तमन्ना करता है, कामना करता है, डिजायर करता है, एक्सपेक्टेंस एक्सपेक्टेशंस उसके होते हैं, उसकी उम्मीदें होती है, सपने उसके होते हैं, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। दुख से घबराता, दुख से दूर भागता 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 चले जाता है इंसान, कुछ उपलब्धि नहीं पा पाता, उसको कुछ जीवन के भीतर नहीं मिल पाता है। दुख को भी गले लगाने की भावना और फीलिंग होनी चाहिए। जो किस्मत में नसीब में है, जैसी पत्नी जैसे बच्चे जैसा माहौल जैसी परिस्थिति, जो कुछ आपको मिला है उसे प्रेम के साथ में स्वीकार करना शुरू करते हैं, जो फिर जिंदगी सजना सवरना और मुस्कुराना शुरू होती है, नित्य जीवन के अंदर शुरू हो जाया करता है। कई सारी बार ऐसा होता है कि पुराने चीजों को पकड़ करके चलते हैं तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती है। कुछ संत महात्मा ऐसे हैं कि जब तक पानी में राख नहीं डाली जाए वो पानी नहीं पीते। कुछ धर्मों के अपने अपने सिद्धांत हैं, मैं किसी की आलोचना तो करना नहीं चाहूंगा, किसी जमाने में ये सही भी था उचित भी था, शायद हो सकता है कि अभी भी शायद कहीं किसी दृष्टिकोण से ये बात उचित भी हो, क्योंकि बम्बई जैसा महानगर वहां राख नहीं मिली, संत महात्मा अगर पानी में राख नहीं डालेंगे तो वो पानी नहीं पियेंगे, तो ताबड़तोड़ राख बुलवाई गई। बाद में तहकीकात की गई, बाद में खोजबीन जांच पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा वो राख शमशान घाट से आई थी। फिर बाद में और भी मालूम पड़ा कि वो शमशान घाट वाला इसी कई क्विंटल राख बेच चुका था बर्तन मांजने के लिए, दवाइयों के लिए और तरह तरह के उपयोग के लिए कई क्विंटल राख वो शमशान घाट वाला बेच चुका था, जो को नहीं मालूम था। अनजाने में या जानबूझ करके कई सारी बार ऐसा भी हो जाता है, मैं तो ऐसा ही करने वाला हूं, मैं तो यही करूंगा, हमारे मंदिर में तो ऐसा ही होता है, हमारे परिवार में ऐसा होता है, हमारी कंपनी का दैट इज नाम और कंपनी नाम्स, हमारी कंपनी में ऐसा ही चलता है, हमारे समाज में ऐसा ही होगा, इस पार्टी में, इस सोसाइटी में, इस सभा में, इस संगठन में, इस समिति में, इस कमेटी में ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होती रहेगा। इंसान की भावना की कदर कीमत नहीं होती है। हमारे घर के ये रीति रिवाज है, हमारे घर की ये परंपराएं हैं, यू हैव टू फॉलो इट। आपकी इच्छा हो या ना हो, आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको इसको झेलना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन। शादी हुई, शादियों के बहू घर में नई नई आई तो सासू ने बोल दिया, बेटा इधर आओ, देखो ये अपना कुत्ता है। क्या बोले? ये अपना कुत्ता है, इसको भरपूर प्यार देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये अपना कुत्ता है, इसको भरपूर प्यार देना ही पड़ेगा। बहू बोलती है, सासू जी आप चिंता मत करो, बिल्कुल मैं इसको आप जैसा ही समझूंगी, बिल्कुल आप जैसे रखूंगा मैं इसको। क्या? बिल्कुल मैं आपकी तरह ही इसको मैं रखूंगी, मैं समझूंगी मैं। तो ऐसा भी कभी जीवन में होता है। क्या सोच रहे होते हैं, क्या बोल रहे होते हैं और क्या हो जाता है। जिंदगी किधर गुजर रही है, जिंदगी किन मुकामों से, किन रास्तों से, किन गलियों से होकर गुजर रही है, जिन गलियों से होकर गुजर रहे हो आप, आपका जीवन क्या उन गलियों में संस्कारों की खुशबू है, कि जिन लोगों से आप मिल रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो,
क्या उन लोगों के दिल के भीतर भक्ति है भगवान की, भक्ति गुरुओं के संतों के महाराजों की? कहने को धर्म प्राण समाज है जैन समाज, कहने को ऐसा होता है कि हम तो गुरुओं को मानते हैं, हम तो मुनियों को मानते हैं, लेकिन समय दे नहीं पाते हैं, बोल कुछ और रहे होते हैं, मुंह कुछ और बोल रहा होता है, जिंदगी कुछ और बोल रही होती है। गाड़ी का एक चक्का, गाड़ी का एक टायर उधर पूरब में जा रहा, दूसरा टायर पश्चिम में जा रहा है, तो बताओ गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? रेलेवेंट क्या समझे, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए, आपके शब्दों में, आपके विचारों में, आपकी क्रियाओं के अंदर तारतम्यता एकदम होना चाहिए। राजाते सौभाग्यशाली होते वो लोग जो सेवा भक्ति के अंदर अपना समय दिया करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है तुरंत उसका फल मिल जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है बरसों लग जाते हैं, कई बार सदियां लग जाती है, और तब जाकर के रिजल्ट हमारे सामने आता है। जैन समाज की जो इज्जत, जो गरिमा, जो सम्मान जो दुनिया पूरी दुनिया के सामने है, ये आपके और हमारे 10-20 साल की मेहनत का पुरुषार्थ का फल नहीं। सदियां बीत गई तब जाकर के जैन समाज को शाकाहारी होने का बड़ा भारी गौरव प्राप्त हुआ है। बच्चों को बचपन से केजी में डाल दिया, नर्सरी में डाल दिया, प्ले स्कूल में डाल दिया, बच्चे वहां खेलते हैं। अब दिन भर क्या मालूम कौन सा व्यक्ति, कौन सी महिला, कौन सा पुरुष बच्चों को संभालता है, उन्हें क्या मालूम क्या जाने अनजाने में उन्हें क्या संस्कार क्या शिक्षाएं दे दी जाती है। वह ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, बच्चा रोता था, नाराज होता था, दुखी हो जाता था, घर कोई मेंबर दुखी, कोई बड़ा या छोटा कोई भी दुखी परेशान होता था, बाकी लोग संभाल लिया करते थे। अब ऐसा सिस्टम खत्म सा होते चले जा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, दो मेंबर कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी से इतना प्यारा व्यवहार बनाया जाए। मंदिर एक संस्था होती है, मंदिर एक संस्था होती है, संस्था के माध्यम से कुछ ऐसे बुजुर्गों को आगे आना चाहिए, जो बुजुर्ग समय निकाले, कुछ ऐसे जवान लोग आगे आना चाहिए, समय निकाले, वो बारीक नजर रखें कहां कौन सा इंसान संस्कारों से फिसलता चले जा रहा है, कहां किसके पास में कहीं कोई जीवन के अंदर धर्म का अध्यात्म का अभाव सा होते चले जा रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।